दिस इज पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो. इन दिस पार्ट वी विल डू प्रैक्टिस सी ऑफ पेज नंबर 10. द क्वेश्चन इज राइट दीज फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स. अब हमें यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन है और हमें इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखना है. प्रैक्टिस बी में हमें डेसिमल्स दिए गए थे, उसे हमने फ्रैक्शन की फॉर्म्स में किया था. अब हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, इनको हम डेसिमल फॉर्म में करेंगे. उसके लिए आप अपने इस पेज के इसी एक साइड पे रफ़र के लिए कॉलम बनाएंगे, ठीक है. अच्छा, अब 9 होल नंबर 4/5 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सी का. इसमें भी हम क्या करेंगे, जो होल नंबर की फॉर्म में जो भी नंबर है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे. अब इसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म नंबर देखेंगे, जो फ्रैक्शन में नंबर है 4/5, इसको हमें डिवाइड करना है. जब इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए होते हैं तो हम जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको हम अंदर रखते हैं और नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5. अब 4 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और अंदर एक ज़ीरो लगा देंगे. तो इस तरह से 4 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 5 से और बन जाएगा 40, ठीक है. अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक हमारे पास 40 आए. 5 8 ज़ा 40 होता है, वो हम यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा और हमारा आंसर आएगा 0.8. इसको हम जो हमने 9 लिखा था उसके साथ लिखेंगे और ये बन जाएगा 9.8 और ये इसका आंसर होगा. 9 होल नंबर 4/5 को जब हम डेसिमल फॉर्म में करेंगे इसका आंसर आएगा 9.8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 होल नंबर 1/4. आप जो फ्रैक्शन के बाद जो होल नंबर में जो नंबर लिखा है उसको ऐसे ही लिख दीजिए. 1/4 को अगेन हम डिवाइड करेंगे किस तरह से कि अंदर हम 1 लिखेंगे और जो नीचे वाला नंबर है 4 उसको हम बाहर लिखेंगे. अभी जैसे हमने फर्स्ट सम में नंबर को ग्रेटर करने के लिए, डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए डेसिमल लगा के यहाँ पे एक नंबर बढ़ाया था, इसी तरह हम इस सम में भी करेंगे ताकि ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर हो जाए और डिवीजन को हम प्रॉपरली कर सकें, ठीक है. अब 4 है, 4 2 8 होता है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 आया, ठीक है. अब जब यहाँ पे डेसिमल प्लेस हुआ हुआ होता है तो हम नंबर के आगे 0 बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और ये हो जाएगा 20. 4 5 20 होता है, वहाँ यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, माइनस करेंगे, कोई भी रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचेगा और हमारा आंसर होगा 0.25. इसको हम यहाँ इस 3 के साथ लिखेंगे और अपना आंसर कंप्लीट करेंगे. 3.25 इज़ द आंसर ऑफ दिस नंबर 3 होल नंबर 1/4. अच्छा, द नेक्स्ट सम इज 4 होल नंबर 3/5. इसमें भी जो होल नंबर है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे. 4 इसमें होल नंबर है, इसको हमने एज इट इज़ लिखा और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर है उसे हम डिवाइड करेंगे इस तरह से कि 3 हम अंदर लिखेंगे और 4 हम यहाँ बाहर लिखेंगे. अब 3 को हम ग्रेटर नंबर बनाने के लिए अगेन यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस करके अंदर 3 के साथ 0 लिखेंगे ताकि ये 4 से बड़ा नंबर बने और डिवीजन हो सके. अब यहाँ पे ये नंबर है 30, ठीक है. अच्छा, ये 5 यहाँ पे हम लिखेंगे 5 बिकॉज न्यूमरेटर में हमारे पास लिखा हुआ है 5, ठीक है. 5 6 30 होता है, ठीक है. इसमें कोई रिमाइंडर नहीं हमारे पास और हमारा आंसर है 0.6, ठीक है. यहाँ पे 5 हमने इसलिए लिखा कि यहाँ पे नीचे 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है. और 4 यहाँ पे होल नंबर था, यहाँ हमने 4 लिखा, 0.6 यहाँ पे आया, हम इसको इस 4 के साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा 4.6 इसका आंसर. नेक्स्ट नंबर है 7 होल नंबर 1/7, ठीक है. अब अगेन जो होल नंबर है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 7 और 1/7 का डिवीजन करेंगे. इधर 1 को अंदर लिखेंगे और 7 बाहर, ठीक है. फिर डेसिमल लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो ये ग्रेटर नंबर हो जाएगा. 7 1 7 करेंगे, 7 1 7 10 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.
ठीक है, अब जब डेसिमल प्लेस हुआ हुआ होता है तो हम ज़ीरो और भी नंबर्स में ज़ीरो लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे अभी लगा देते हैं ज़ीरो, ये बन जाएगा 30। 7 फोर्ज़ा होता है 28, ठीक है, 30 माइनस 28 हो जाएगा 2। ये हमारे पास रिमाइंडर बचा तो है, लेकिन अब हमारे पास डेसिमल के बाद जब दो नंबर्स आ जाते हैं तो हम अपना डेसिमल स्टॉप कर सकते हैं, डिवीजन को स्टॉप कर सकते हैं, और यही दो नंबर्स हम अपने आंसर में भी लिखेंगे, 7 होल नंबर 1/4, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर इज 2 होल नंबर 2/3। नेक्स्ट पेज पे भी हम अपना रफ वर्क का कॉलम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे रफ वर्क और यहाँ पे हम करेंगे डिवीजन। 2 होल नंबर है, 2 होल नंबर को हम एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे डिवीजन करेंगे किसको, 2 ऊपर है अंदर लिखेंगे, 3 नीचे है बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, छोटा नंबर है इसको दोबारा से हम डेसिमल लगा के एक ज़ीरो बढ़ा के एक को बड़ा बनाएंगे ताकि हम अपना डिवीजन कर सकें। 3 6 18, ठीक है, माइनस करेंगे 2 आएगा, ठीक है। अब दोबारा से 2 आ गया, अब ये फिर छोटा हो गया और हमारे पास अभी डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से डेसिमल होने की वजह से यहाँ पे 0 लगा के इसको बड़ा करेंगे, ये हो जाएगा 20। अगेन 3 6 18 करेंगे, माइनस करेंगे, 20 में से 18 को जब हम माइनस करेंगे अगेन हमारे पास नंबर आएगा 2। तो हम यहाँ तक करने के बाद अपना डिवीजन स्टॉप कर देंगे और ये जो हमारे पास आंसर में नंबर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे इस 2 के साथ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2.66। ये हमारा नंबर 5 क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 होल नंबर 2/3 को डेसिमल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2.66। हमारा नेक्स्ट नंबर है 5 होल नंबर 1/2। होल नंबर को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, 1/2 जो फ्रैक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए डिवीजन करेंगे, 1 लिखेंगे और बाहर 2 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, डेसिमल लगा के अंदर 0 बढ़ा देंगे, ये 10 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ तक हमारे पास 10 आए, 2 5 10 होता है वो लिख देंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं है और आंसर में हमारे पास आया है 0.5। इसको यहाँ पे इस 5 के साथ लिखेंगे, ये बन जाएगा 5.5 और यही हमारा आंसर भी होगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर है 6 होल नंबर 3/4, ठीक है। अब हम 6 को एज इट इज़ लिखेंगे और फ्रैक्शन वाले नंबर को हम डिवीजन करेंगे। 3/4 है हमारे पास नंबर, जो ऊपर वाला नंबर हम अंदर लिख देते हैं, 4 जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसको हम डिवाइज़र के तौर पे लेते हैं, ठीक है। अब दो अगेन हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के इसको 3 को बड़ा करेंगे, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ तक 30 आए या 30 से छोटा नंबर आए, 4 7 करेंगे 28 आएगा, 4 7 28, माइनस करेंगे 30 में से 28 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2, या फिर आपका जो तरीका है करने का उस तरह से कर लें, इसको 1 दे दिया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, 10 माइनस 8 2 2 माइनस 2 0, तो हमारे पास आंसर में यहाँ पे आया 2। अच्छा, अब हमारे पास जब डेसिमल होता है तो हम और भी जीरोस नंबर के साथ बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने ये बढ़ा लिया, ये नंबर हो गया 20। अब 20 है और 4 है यहाँ पे, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ तक हमारे पास नंबर आए 20, 4 5 होता है 20, हमने लिख दिया यहाँ पे 20, माइनस करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं है, तो हम इस 0.75 को इस 6 के साथ लिखेंगे 0.75, और ये हमारा आंसर होगा इस फ्रैक्शन का जो हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना था, 6.75। अच्छा, लास्ट सम इज़ 1 होल नंबर 2/9, ये हमारा लास्ट सम है, ठीक है। अब इसमें भी 1 होल नंबर है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए और फ्रैक्शन नंबर्स को डिवीजन में ले जाते हैं, 2 और यहाँ पे आएगा 9, ठीक है।
अब क्या करेंगे, टू छोटा नंबर है, उसको बड़ा करने के लिए एक डेसिमल लगा के यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब नाइन का टेबल में 20 नहीं आता तो वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ से 20 से छोटा नंबर आए। 9 2 हमारे पास आएगा 18, 20 - 18 आएगा फिर से 2, फिर से डेसिमल होने की वजह से हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। देखिए ये फिर से 20 हो जाएगा तो हम दोबारा से 9 2 18 करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सम चलता रहेगा तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और ये जो 0.22 आंसर आया है इसको हम इस 1 के साथ लिखेंगे और आंसर हमारा हो जाएगा 1.22, ठीक है। इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड आर सम ऑफ प्रैक्टिस सी, जिसमें हमें फ्रैक्शंस गिवन थे और हमने इसको डेसिमल फॉर्म में किया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो सम्स हैं इसको आप करने के लिए अपने टेबल्स को बहुत अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, रोज़ाना उसका रिवीजन करेंगे ताकि जब आप ये वाले सम्स करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।